ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। दुर्ग जिले की शिक्षिका के शारदा का भी हुआ सम्मान। शिक्षक दिवस पर आज राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 55 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित खेदामारा के शासकीय स्कूल की शिक्षिका के शारदा भी शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वे हमेशा महिलाओं की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें। राष्ट्रपति ने शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए शिक्षकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर विशेष दिया गया है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2023-24 के लिए 52 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें प्रधान पाठक, व्याख्याता, व्याख्याता एलबी, शिक्षक एलबी, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी वर्ग के शिक्षक शामिल हैं। वहीं 3 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें बिलासपुर जिले की डॉ रश्मि सिंह ध्रवे को डॉ पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कबीरधाम जिले के राजर्षि पांडे को डॉ मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार और दुर्ग जिले की डॉ सरिता साहू को डॉ बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षक सम्मान वर्ष 2024-25 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा भी की। समारोह में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को बड़ा सपना देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस हमें विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं की याद दिलाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में शिक्षक दिवस का जितना उत्साह और महत्व है वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में भी अब शिक्षा की रोशनी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। माओवाद प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वह प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के साथ कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्हें सुरक्षा उपायों का आकलन और उनमें सुधार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। साथ ही हर पंचायत में सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। सहकारिता विभाग के सचिव डॉ सीआर प्रसन्ना ने सहकार से समृद्धि पर बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लेकर इसे दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में पंचायतवार, पैक्स, मत्स्य और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों का चिन्हांकन कर उन्हें सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए। डॉ प्रसन्ना ने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां एक भी समिति नहीं है वहां नई समितियों का गठन किया जाए। आगामी खरीफ फसल की खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि सभी समितियों के पुराने कार्यों का ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए। प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन ने आज नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में देशभर के उद्योगपतियों, उद्यमियों और निवेशकों ने व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान श्री दिवांगन ने छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं और राज्य सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के गुंडाला में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायल जवानों का इलाज भद्राचलम के अस्पताल में चल रहा है। सर्चिंग के दौरान मौके से अत्याधुनिक हथियार समेत भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। वहीं मारे गए सभी माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इधर दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है लोन वर्राटू अभियान के तहत एक महिला समेत 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों माओवादी मलांगेर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। इन माओवादियों पर बंद के दौरान सड़क खोदने और बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष शिशुपाल शोरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बैगिनडी की रहने वाली श्रीमती बघेल ढोकरा बेल मेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर हीराबाई झरेका बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यह अभियान प्रदेश में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान सफाई मित्रों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारक के लिए सुरक्षा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में स्वच्छता हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। राज्य के शासकीय और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड, डीएलएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जो प्री बीएड, प्री डीएलएड या प्री टेस्ट में शामिल हुए हैं, वे आज से 11 सितंबर तक चिप्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुल्क का भुगतान कर विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। रायगढ़ में 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे 39वें चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। समारोह में देशभर के प्रसिद्ध कलाकार शास्त्रीय नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुति देंगे। इस समारोह में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, असमिया, ओडिशी और मणिपुरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं पद्मश्री हेमा मालिनी और देवयानी तथा मीनाक्षी शेषाद्री शास्त्रीय नृत्य की विशेष प्रस्तुति देंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। आज राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश दर्ज की गई। इस बीच बीजापुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के एक जवान की मौत हो गई। यह जवान कांवड़ गांव कैंप से सर्चिंग अभियान पर निकला था। यह जवान बीजापुर थाना क्षेत्र के संतोषपुर गांव का रहने वाला था, जो 85वीं वाहिनी CRPF कैंप कांवड़ गांव में पदस्थ था। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्वाध्यायी परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब परीक्षा विलंब शुल्क के साथ 9 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कवर्धा में आज बीएड संघ ने प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गौरेला स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल विकास के लिए जिला स्तरीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन 10 सितंबर को किया जाएगा और कोरबा जिले के पाली वन मंडल के धार पखना घुईचुआ सर्किल में दंतैल हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। दुर्ग जिले की शिक्षिका के शारदा का भी हुआ सम्मान। शिक्षक दिवस पर आज राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 55 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।